डियर स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हम टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन मीन की कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगी जो हमें डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। हम देखेंगे कि कैसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के थ्रू हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो पॉपुलेशन मीन के बारे में हो। फर्स्ट एग्जांपल इज कॉस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन। अ रिपोर्ट सेज दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रोक विक्टिम्स is rupees 124,672 from a random sample of 35 stroke victims at a hospital shows the average cost of rupees 126,343. The standard deviation of the population is rupees 3,251. At a level of significance 0.01, can it be concluded that the average cost of stroke rehabilitation at that hospital is significantly different? तो ये हमारा प्रॉब्लम है। हम किसी हॉस्पिटल में स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रा करना चाह रहे हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, जैसे पॉपुलेशन का वेरियंस भी दिया गया है और सैंपल का साइज 35 है, जो आम तौर पे रूटीन में हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर 30 से अबव सैंपल हो तो उसको लार्ज सैंपल समझ लिया जाए, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हमेशा डिपेंड करेगा पॉपुलेशन साइज पे। तो यहाँ हमने अपनी आसानी के लिए कट पॉइंट बनाया है कि 30 से अबव को हम लार्ज सैंपल कहेंगे और 30 या लेस देन 30 को स्मॉल सैंपल कहेंगे। तो यहाँ चूंकि लार्ज सैंपल है तो हम मीन को टेस्ट करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन मीन को, जिसके लिए जेड टेस्ट यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हम वही लेंगे जो पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में क्लेम किया गया है। तो पॉपुलेशन मीन जो हमने हमें दिया गया है कि 124,672 रुपीस से रिहैबिलिटेट होता है एक स्ट्रोक पेशेंट, और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम ये लेंगे कि दैट इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो जो वैल्यू दी गई है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल नहीं है, तो उस क्लेम को हम नल करेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। तो इस तरीके से सेकंड स्टेप में फिर हम नल हाइपोथेसिस जो हमें दिया गया है उसके लिए जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना है वो 0.01 है, उसको लिखेंगे, और थर्ड स्टेप में क्रिटिकल रीजन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जेड स्टैटिस्टिक्स में भी जो क्रिटिकल रीजन टू टेल के लिए यूज होता है वो यहाँ पे लिखा गया है कि जेड की मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू। जेड अल्फा बाई टू जो है ये टेबुलेटेड वैल्यू है, और जेड की मॉडुलस वैल्यू जो लेफ्ट साइड पे है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू है, और जो कंप्यूट करने के बाद हमें पता चला कि टेबुलेटेड वैल्यू 2.58 है और जेड की कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो 3.04 है। हम 3.04 और 2.58 को कंपेयर करेंगे बाई पुटिंग 3.04 इन क्रिटिकल रीजन। तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 3.04 इज ग्रेटर देन 2.58, इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, और क्रिटिकल रीजन इज आल्सो कॉल्ड रिजेक्शन रीजन, देयरफॉर वी आर गोइंग टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। और हम इस क्लेम को रिजेक्ट करते हैं कि एक पेशेंट को रिहैबिलिटेट करने के लिए जिस हॉस्पिटल से ये डाटा लिया गया है, जो क्लेम किया गया था कि 124,672 रुपीज एवरेज कॉस्ट आती है, तो इस हाइपोथेसिस को हम अपने एनालिसिस के थ्रू रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद जेड की कुछ वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पे टेबल की शक्ल में। ये आमतौर पे वो वैल्यूज हैं जो बहुत कॉमनली यूज होती हैं, अदरवाइज हमें जेड की वैल्यू को कंप्यूट करना पड़ता है। जेड के जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो डिफरेंट बुक्स में अवेलेबल हैं, इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज वैल्यूज हैं वो यही हैं 1%, 5% और 10% अल्फा के ऊपर, जिनके लिए हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और ये टेबल अगर आपको जुबानी याद है तो फिर आपको दूसरे टेबल से, बड़े टेबल से वैल्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे एक स्मॉल टेबल प्रेजेंट किया गया है। अब हम देखेंगे कि यही टेस्ट अगर हमने सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करना हो तो वो कैसे किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पे जो लोग स्टैटिस्टिक्स से नहीं होते, माइनर कोर्सेज पढ़ते हैं या कोई लार्ज साइज रिसर्च करते हैं, तो उनको सॉफ्टवेयर यूज करना जरूरी होता है। तो मिनी टैब के थ्रू यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। आप मिनी टैब को जब ओपन करेंगे तो स्टैट की ऑप्शन को चूज करेंगे, उसके बाद बेसिक स्टैटिस्टिक्स को चूज करेंगे, और उसके बाद वन सैंपल
जेड टेस्ट जो हमने अभी अभी परफॉर्म किया है मैनुअली, उसी को चूज यहाँ पे किया जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जो दी गई है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, सैंपल साइज बताएंगे, सैंपल मीन बताएंगे, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हमारा 0.01 था, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया है जो 100 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल टू अल्फा होता है, तो हम 100 में से इस वैल्यू को माइनस करके देखेंगे जो 0.01 आती है, इट मींस अल्फा 0.01 यहाँ पे हमने यूज किया है। और उसके बाद हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताएंगे, क्योंकि हमने टू टेस्ट लगाया था तो हमने कहा था म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो यही आप यहाँ पे भी चूज करेंगे। इसके बाद ओके करेंगे तो नीचे रिजल्ट्स हैं जो आउटपुट विंडो में आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है कि पी की वैल्यू जो एंड पे दी गई है जेड के बाद 0.002 है, पी की वैल्यू अगर लेस देन अज्यूम्ड अल्फा हो तो तब हम इसको रिजेक्ट करते हैं जो हाइपोथेसिस बिल्ड किया था। तो यहाँ पे पी की वैल्यू 0.01 से काफी छोटी है, इसलिए हम उस हाइपोथेसिस को यहाँ पे हमने देखा कि सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हमने रिजेक्ट किया है जो मैनुअली भी रिजेक्ट हुआ था। तो इस तरह सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अनदर एग्जांपल, हॉस्पिटल इन्फेक्शंस। अ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन क्लेम्स दैट द एवरेज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस पर वीक एट ए हॉस्पिटल इन लाहौर इज 16.3। अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 वीक्स हैड ए मीन नंबर ऑफ 17.7 इन्फेक्शंस। द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.8। Is there enough evidence to reject the hypothesis at 0.05 level of significance? तो यहाँ पे हमने इसको मैनुअली परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एनालिसिस है जैसे Z में किया। डिफरेंस दो जगह पे आएगा, एक तो आपने जो T की टेबुलेटेड वैल्यू ली है वो T के टेबल से आएगी, Z के टेबल से नहीं आएगी, और उसके बाद आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया है वो यहाँ अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, तो वही हम यूज करेंगे। और इसके बाद उसी तरीके से हम टी की कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल रीजन में रखते हुए इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अगेन टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, इट मींस वी आर अगेन गोइंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस दैट इज म्यू इक्वल टू 16.3। यहाँ पे एक टेबल प्रेजेंट किया गया है जो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल वैल्यूज का टेबल है। ये टेबल बहुत सारी टेक्स्ट में जो स्टैटिस्टिक्स की टेक्स्ट हैं उनमें अवेलेबल है, नेट के ऊपर भी अवेलेबल है। यहाँ पे हम डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अगेंस्ट अल्फा की वैल्यूज को यूज करते हुए पी की वैल्यू चूज कर सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि 2.62 वैल्यू आई थी हमारे टेबुलेटेड, तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन था वो था यहाँ पे 2.62 वैल्यू है जो यहाँ पे आ रही है अगेंस्ट 9 डिग्री फ्रीडम एंड 0.025 अल्फा के अगेंस्ट, क्योंकि हमने टू टेल टेस्ट यूज किया था तो अल्फा बाई टू जब हम करेंगे तो 0.025 उसकी वैल्यू आ जाएगी, और डिग्री फ्रीडम 9 है जो n माइनस 1 के इक्वल होती है। तो इस तरीके से हम टी टेस्ट को यूज कर सकते हैं और टेबुलेटेड वैल्यू भी यूज कर सकते हैं इसमें क्रिटिकल रीजन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसी टेस्ट को जब हम परफॉर्म करेंगे थ्रू सॉफ्टवेयर तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टैट में जाएं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में, और अब हम वन सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, सैंपल साइज है, सैंपल मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो देंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करेंगे और उसके बाद हम इसका कंक्लूजन ड्रा करेंगे पी की वैल्यू की बेस पे।